स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 9.3 का क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इफ द पीथ क्यू एन आर टर्म ऑफ ए जीपी आर स्मॉल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पीथ टर्म है वो स्मॉल ए है, जो क्यू टर्म है वो स्मॉल बी है, और जो आर टर्म है वो स्मॉल सी है, देन प्रूव डैट ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी एंड सी की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, अब देखो आपको ए पी में जो पीथ टर्म है, जी पी में जो पीथ टर्म है वो इज इक्वल टू है स्मॉल ए, और जो क्यूथ टर्म है वो इज इक्वल टू है स्मॉल बी, और जो आर टर्म है वो इक्वल टू है स्मॉल सी। अब देखो स्मॉल ए से हम वैसे फर्स्ट टर्म को डिनोट करते थे, मगर यहाँ पे पीथ टर्म स्मॉल ए है, तो इसलिए हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन रेशो को कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो एंथ टर्म का फॉर्मूला होता है वो ए आर की पावर एन माइनस वन होता है, मगर हम फर्स्ट टर्म और रेशो को कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है जी, तो पीथ टर्म का मतलब क्या हो गया, ए आर की पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए, यह आएगा ए आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी, यह आएगा ए कैपिटल आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन इज इक्वल टू स्मॉल सी, यह आपकी ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लो अपने क्वेश्चन का, लेफ्ट हैंड साइड है ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू, तो ए की जगह पे आ गया ए आर की पावर पी माइनस वन। ठीक है, ए की जगह पे हमने वाली वैल्यू पुट करी है कि होल पावर क्यू माइनस आर, इसी तरीके से बी की जगह पे ए आर की पावर क्यू माइनस वन की होल पावर आर माइनस पी, और सी की जगह पे ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन की होल पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो ये ए और आर दोनों की होल पावर है, तो ये जो पावर है ये ए की पावर भी बन जाएगी और आर की पावर भी बन जाएगी, तो ये आ जाएगा ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर, इसी तरीके से सेम यहाँ भी फॉलो होगा, तो ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू में आर माइनस पी, यहाँ पे ए की पावर पी माइनस क्यू और आर की पावर आर माइनस वन इंटू में पी माइनस क्यू। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ये ए और ये ए बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर आ गया क्यू माइनस आर प्लस का आर माइनस पी और प्लस का पी माइनस क्यू, इसी तरीके से आर में देखो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आएगा पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस का क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस का आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो आर से आर कैंसिल और पी से पी क्यू से क्यू, तो ये तो आ गया ए की पावर जीरो, अब कैपिटल आर की पावर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी क्यू माइनस का पी आर माइनस का क्यू प्लस का आर, फिर आएगा क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर प्लस का पी, फिर इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आर पी माइनस का आर क्यू माइनस का पी प्लस का क्यू, यहाँ पे देखो प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू माइनस का पी आर प्लस का पी आर माइनस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का आर माइनस का आर प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर प्लस का पी माइनस का पी, सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ए की पावर जीरो हो गया वन और आर की पावर आ गया जीरो, वो भी क्या हो जाएगा वन, तो वन इंटू में वन इज इक्वल टू आ गया वन, जो कि हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर है।